हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो वीडियो है ये फोर्थ एपिसोड है इन गूगल वेबमास्टर सीरीज, और इस पर्टिकुलर एपिसोड में मैं ये सीटीआर के बारे में कवर करने वाला हूँ। अब ये सीटीआर क्या चीज होती है? सीटीआर का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल क्लिक्स डिवाइडेड बाय टोटल इंप्रेशंस, उससे निकल के आता है। सो लेट्स अज्यूम कि यार आपकी वेबसाइट पे 5 क्लिक्स आए और टोटल इंप्रेशंस 100 सर्व थे, तो आपको जो सीटीआर होगा वो 5% होगा। अब ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है? अगर आप गूगल पे रैंक कर रहे हैं और अगर क्लिक्स नहीं आ रहे तो आपका एसईओ करने का भी कोई पर्पस नहीं होता, करेक्ट? तो आपको ट्रैफिक चाहिए गूगल सर्च से। वो ट्रैफिक कैसे आएगा? जब आपकी वेबसाइट कोई देखेगा गूगल सर्च पे और उस पर क्लिक करेगा तो ही फायदा है, करेक्ट? तो इसलिए एवरेज सीटीआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या, अगर आप जो देख रहे हो 1.3% का सीटीआर, क्या ये अच्छा सीटीआर है? कई मामलों में हाँ, कई मामलों में ना। क्यों? अगर मैं नंबर ऑफ कीवर्ड्स के पर्सपेक्टिव से देखूं तो एक मेरा काफी अच्छा सीटीआर है, बट ओवरऑल मेरा जो सीटीआर है वो 2-3% का होना चाहिए। अगर मैं कम कीवर्ड्स पे काम कर रहा हूं या मेरे बेटर रैंक कर रहे हैं तो मेरे फर्स्ट पेज पे कितने रैंक कर रहे हैं, ज्यादातर मैं उनसे सीटीआर कैलकुलेट करता हूं, ओके? क्योंकि वहीं से इंप्रेशंस ज्यादा मेरे को सबसे ज्यादा आते हैं, राइट? तो अब मैं ये चेक करता हूं कि यार मेरा सबसे ज्यादा हाई सीटीआर किस पर आता है, कौन से कीवर्ड्स पे आता है। तो वो सीटीआर जो मेरा सबसे ज्यादा हाई आता है वो आता है जीएमबी वेरिफिकेशन हैक पे, या फिर वेरीफाई योर गूगल, यू नो योर बिजनेस ऑन गूगल, ओके? तो इन सारे उन पे अगर आप देखोगे तो मेरा 100% सीटीआर है, प्रिटी अमेजिंग, क्योंकि कई कीवर्ड्स पे मेरी वेबसाइट गूगल से भी अच्छी रैंक करती है, जी हाँ, ओके? अब ऐसे ही मेरे ब्रांड पे 55% है। तो आप बोलोगे यार इतना अच्छा सीटीआर है तो तब भी आपको एवरेज सीटीआर 1.3% क्यों है? क्योंकि कई बहुत सारे कीवर्ड्स पे मेरा सीटीआर 0% भी है, जैसे सेल सॉफ्टवेयर, हाउ टू बुक मार्क अ ट्वीट, राइट, चैटबॉट, एडवर्टाइज माय बिजनेस, तो इन वजह से मेरा सीटीआर लो भी है। बट बहुत अच्छी बात है कि मेरा कई इन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पे मेरा सीटीआर काफी अच्छा है, ओके? अब दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट, वापस मैं उसी चीज पे जाऊंगा, जैसे हम इंप्रेशंस और क्लिक्स के बारे में ट्रैक करते हैं, अब मेरे को ये देखना है कि अरे ऐसे कौन से पेजेस हैं जिन पे मेरा सीटीआर कम है। तो मैं उन पेजेस को आइडेंटिफाई करके, लेट्स अज्यूम कि यार मैं सबसे पहले है ना देखता हूँ 0% किसका है, तो यार सबसे 0% तो सीटीआर इसी का है तो इसी को इम्प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि यार कौन सी ऐसी क्वेरीज हैं जिन पे मेरा पेज रैंक कर रहा है। तो ये सारी क्वेरीज हैं जिन पे मेरा पेज, ऑल्दो क्वेरीज दिखी है मेरे को बट सीटीआर 0% है, ओके? तो इसमें देखते हैं कि यार एवरेज पोजिशन क्या है, राइट? अगर आप देखोगे ये इंप्रेशंस जो है इस पर्टिकुलर पेज के सडनली इंक्रीज हुए हैं, दैट मींस आइदर मेरा पेज अच्छा रैंक करने लग गया है या इस पर्टिकुलर इस जो क्वेरीज हैं उसके अराउंड सर्च वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो गई है क्योंकि लोग नया चीज देखना चाहते हैं, ओके? तो लेट्स अज्यूम ये आप अगर आप ऑरेंज बार देखो तो ऑल्दो ये नीचे जाता जा रहा है, ये एवरेज रैंक है मेरी और इंप्रेशंस बढ़ते जा रहे हैं, ओके? तो लेट्स इंप्रेशंस के बेसिस पे कर लेते हैं। अब 58th पोजीशन, दैट मींस कि यार मेरा पेज छठे पेज पे रैंक कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ना कोई इतने ज्यादा उस पर जाएगा नहीं, वो ये इंप्रेशंस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ उसको नेविगेट करते जा रहे हैं। जैसे नेविगेट भी करोगे तो आपका एक इंप्रेशन सब हो जाएगा और वो मेरे क्लिक नहीं कर रहे हैं। तो वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस इज अगर मैं अपनी पोजीशन इंप्रूव कर लूंगा ना तो मेरे क्लिक्स आने लग जाएंगे जिससे मेरा सीटीआर इंप्रूव हो जाएगा। तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है उस पर्टिकुलर पेज के लिए और उनसे कैसे ट्रैफिक जनरेट होगा। तो फिर सेम स्टोरी आती है कि यार कंट्रीज की, तो सिमिलरली जो भी आपकी टारगेट मार्केट है आप वो देख सकते हो। सरप्राइजिंगली नाइजीरिया मेरी एवरेज पोजीशन 16.6 है, तो इसी को यार अज्यूम कर लेते हैं इस समय पर कि यार क्या क्या चल रहा है, ओके? तो एवरेज पोजीशन तो मेरी यार स्टेबल है, ऑरेंज बार है, सीटीआर मेरा ग्रीन है। तो पॉपुलर ज्यादा बेटर क्लैरिटी के लिए देख लेते हैं क्या चल रहा है, ओके? तो सीटीआर मेरा यहाँ पे देखो 6.9% है जो इम्प्रूव भी हो रहा है, राइट? अब चल क्या रहा है, नाइजीरिया में इंप्रेशंस मेरे इंक्रीज हो रहे हैं और वहां पे मेरे क्लिक्स भी आ रहे हैं, तो दैट मीन्स चलो ठीक यार अब देखते हैं कि यार क्या इंप्रूव कर सकते हैं, ओके? तो क्वेरीज में मैं जाऊंगा वापस, ओके? और ये देखूंगा कि यार इस पर्टिकुलर कंट्री के लिए कौन से कीवर्ड्स हैं। तो ये कीवर्ड्स हैं यार और पोजीशंस इनकी ये अच्छी पोजीशन है, इसलिए देखो
23.8% CTR। दोस्तों अगर आपको 28.3 ये CTR है ना, तो इट्स रियली वेरी गुड नंबर, आप धुएं उठा दोगे, लिटरली बता रहा हूं मैं आपको। तो यहां पे देखो अगर मेरा 6.7% CTR है तो, बट पोजीशन 8.3 है, तो यहां पे मैं वर्क अराउंड कर सकता हूं ज्यादा बेटर करने के लिए। ओके, तो ऐसे ही आप डिवाइस के बेसिस पे जा सकते हो। तो अगर आप देखोगे नाइजीरिया में सबसे ज्यादा इंप्रेशंस मेरे मोबाइल से आते हैं, दैट मींस मेरे को यह पता चल गया कि यार नाइजीरियंस जो हैं वो मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं। ओके, और डेस्कटॉप पे उनकी इंक्वायरीज कम है और मेरा CTR भी काफी अच्छा है बिकॉज माय पोजीशन इज 10.4। तो मुझे क्या करना है, अपनी डेस्कटॉप के लिए रैंकिंग इंप्रूव करनी है जिससे मेरे इंप्रेशंस भी बढ़े और मेरा CTR भी इंक्रीज हो। ओके, और अगेन यार ये सर्च इंप्रेशंस और डेट्स आ जाते हैं इसमें, क्या किस डेट को अगर आप देखना चाहो तो आपको डेट वाइज भी आ जाता है किस डेट को कितने क्लिक्स आए, राइट, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंट्री, कितने इंप्रेशंस आए, कितना CTR और कितना पोजीशन, उस बेसिस पे आप अपना इंप्रूव भी कर सकते हो। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर मेरे को पिंग करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकते, पूछ सकते हो, मैं आपकी बात का जरूर जवाब दूंगा। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल जिससे कि मेरी आप आगे की वीडियोस देख सको। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बाय।